तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई थिंक सब ठीक होंगे। आई एम राहुल फ्रॉम सुप्स टीवी। पठान मूवी ने बवाल कर दिया है पूरा इंडिया में, और इस मूवी का हाइप भी कुछ कम नहीं है। आज हम बात करेंगे पठान मूवी के बारे में। इस मूवी की जो स्टोरी है, आपने कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। स्टोरी से ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना, लेकिन इस मूवी जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो लाजवाब है। सिंपल सी स्टोरी है, एक वायरस से बचाना है अपने देश को, बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी से कनेक्ट करने के लिए। दिस टाइप ऑफ मूवीज बहुत कम देखने को मिलता है बॉलीवुड में। 4 साल बाद एंट्री हुआ है SRK का भूकाल तो सेट करके जाएगा। लोगों को ऐसा कुछ चाहिए था जो इस मूवी ने सब कुछ दिया है, पूरा पैसा वसूल। इंटरनेशनल जैसा एक्शन सीक्वेंसेस परफेक्टली शूट किया गया है। मानता हूँ एक्शन में थोड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन मजा देती है, और यही सब चाहिए लोगों को जो इस मूवी ने दिया है। हॉलीवुड मूवीज में भी एक्शन सीन में कोई लॉजिक देखने को नहीं मिलता है, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस एंड जेम्स बॉन्ड की मूवीज में, लेकिन लोगों को मजा आता है ये सब देखने में। जब मैं ये मूवी देखा, मुझे लगा मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। द ग्रे मैन मूवी भाई भी आ रहा था। सोचो 250 करोड़ में इतना मजा दे रहा है। अगर ग्रे मैन की तरह 1600 करोड़ खर्च करेगा तो बॉलीवुड क्या क्या कुछ नहीं दिखा सकता है अपनी मूवीज में। अच्छी VFX से लेके 4-5 मेन एक्टर्स जैसे शाहरुख, सलमान, अक्षय, ऋतिक, इन सबको एक ही मूवी में दिखा पाएंगे, क्योंकि एक मूवी बनवाने के लिए मेन एक्टर्स 100 से 150 करोड़ चार्ज कर लेते हैं। इसीलिए बॉलीवुड बड़े बड़े एक्टर्स को दिखा नहीं पाती है एक मूवी में। अब आते हैं शाहरुख की एंट्री पे। शाहरुख खान का एंट्री इतना परफेक्टली शूट किया गया है कि क्या बोलूं। डायरेक्टर को उनके इस एंट्री सीन के लिए मैं उनका तारीफ करना चाहता हूँ। शाहरुख खान है मूवी में, रोमांस तो होगा ही, थोड़ा बहुत रोमांस सीन है, लेकिन ऐसा वैसा कोई इंटीमेट वाला सीन नहीं है। पूरा सिंपल तरीके से दिखाया गया है, ना कोई किसिंग सीन ना कोई सेक्स सीन। इसे अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर सकते हो। आपको लगा होगा बॉलीवुड की मूवी है, 4-5 गाना ऐड तो किए होंगे, लेकिन नहीं, पठान में ऐसा नहीं होता है। 2 गाना है, एक मूवी के एंड में और एक मूवी के बीच में। जब बेशरम सॉन्ग आता है मूवी के बीच में, उसका भी एक मीनिंग होता है, आपको मूवी देख के पता चलेगी। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है जो आगे आगे आपको खींच लेती है। क्या होगा आगे पूरा अपने इंटरेस्ट बना रखती है ये मूवी। कहीं पे भी आपको बोर फील नहीं कराता है ये मूवी। आपको लगेगा इतना जल्दी जल्दी कैसे खत्म हो गया ये मूवी। आपको लगेगा और आधा घंटा होता तो और अच्छा होता। मूवी में सलमान भाई का भी एंट्री होता है एक ट्रेन में। वहाँ पे एक अच्छी खासी एक्शन सीन देखने को मिलता है। जब एंट्री होता है सलमान भाई का, लोग पूरा चिल्लाने लगते हैं थिएटर में, दोनों को एक साथ देख के। लोग पागल हो गए ऐसा देख के, और हमें भी ऐसा कुछ चाहिए था। ये एक स्पाई यूनिवर्स मूवी है, जरूर ऋतिक रोशन दिख सकते हैं आगे आने वाली मूवीज में। तीनों एक्टर्स को एक साथ देखने को मिलेगा। सलमान खान को अपने स्टाइल में एक्शन सीन में देखने को मिलता है एक हॉल्क टाइप की, लेकिन शाहरुख का एक यूनिक स्टाइल में प्रॉपर फाइटर की तरह दिखाया गया है। क्या आपको पता है इस मूवी का आधा जान ही इस मूवी का BGM है। बहुत अच्छे से BGM को यूज किया गया है इस मूवी में। जब जब एक्शन सीन आता है तब उसके लिए परफेक्ट BGM, जब कोई इंटेंस सीन आता है उसका भी एक बेस्ट BGM। मूवी का VFX भी ठीक ठाक था। इस मूवी का एंडिंग भी वार मूवी के जैसा हुआ है, बर्फ में। वार मूवी में कार में फाइट हुआ था, लेकिन पठान में बाइक में। जब जब शाहरुख और जॉन आमने सामने आते हैं, क्या ही बोलूं, लगता है टाइगर और लायन आमने सामने हो रहे हैं। जॉन का परफॉर्मेंस एक्टिंग जबरदस्त था इस मूवी में। शाहरुख खान की बात क्या करूं, उनकी एक आवाज ही काफी एक मूवी को हिट करवाने की। दीपिका भी बहुत अच्छी एक्टिंग किया है इस मूवी में, पूरा जान डाल देते हैं इस मूवी में सभी एक्टर्स ने। मूवी में कुछ इमोशनल सीन भी है जो देख के आपको दर्द जरूर फील होगा, जब अपनी देश को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है तो जरूर जाके एक बार देखो, ऐसा मूवी बार बार देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे और मूवीज रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लव यू ऑल।